दिस इज अबाउट गट्स, आपको सैल्यूट करना पड़ेगा इसकी करेज को. उन्होंने ये बोला है, मतलब प्रॉपर वीडियो रिलीज किया और उन्होंने इंडिया की ना सिर्फ तारीफ की. Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation. U.S. President Joe Biden has said that the SOS issued by the crew, it helped save lives. Shipping company Maersk ने ये कंफर्म किया है कि जहाज में सवार सभी 22 क्रू मेंबर्स भारतीय हैं, जिन्होंने काफी बहादुरी दिखाते हुए SOS भेजकर पुल की तरफ आने वाली कारों को पहले ही रोक दिया, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जिसके लिए मैरीलैंड के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तारीफ की है और उन्हें हीरो बताया. There was a mayday who literally by being able to stop cars from coming over the bridge, these people are heroes. They saved lives. They saved lives. अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री अगर इंडियन को फॉलो करता नजर आ रहा है. माइंडसेट डिफरेंस है आपका. यहाँ पे एक यंग नौजवान और इंडिया का नौजवान है, वो आईटी रेलिवेंट, उनकी हर चीज उसके अंदर प्रमोशन होती है. आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि हर वो देश जो कभी भारत को अपने अपने बैक का रफ डायरी समझता था, अब वो भारत को समझता है कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट डायरी है. अमेजोन, ट्विटर, एप्पल, टेस्ला, ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट, हर एक कंपनी वहाँ पे अपना हेड ऑफिस बना चुकी हुई. ठीक है हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं. अमरीकी रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में कार्गो बहरी जहाज के टकराने से फ्रांसिस स्कॉट पुल गिरने के नतीजे में लापता 6 अफराद हलाक हो गए. सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस जहाज पर सभी 22 क्रू मेंबर्स भारतीय थे, जिनकी बहादुरी के कारण उस पुल के ट्रैफिक को रोक दिया गया था और सैकड़ों लोगों की जान बच गई. शिपिंग कंपनी मैसार्क ने ये कन्फर्म किया है कि जहाज में सवार सभी 22 क्रू मेंबर्स भारतीय हैं, जिन्होंने काफी बहादुरी दिखाते हुए SOS भेजकर पुल की तरफ आने वाली कारों को पहले ही रोक दिया, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जिसके लिए मैरीलैंड के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तारीफ की है और उन्हें हीरो बताया. US President Joe Biden has said that the SOS issued by the crew, it helped save lives by allowing officials to limit vehicular traffic on the bridge. He added that all federal resources will be redirected to rebuilding the bridge that now threatens to disrupt an important shipping port for months. The Indian mission in the US issued a statement offering condolences over the accident. The mission has also set up a helpline for any Indians who may have been affected or require assistance. New Delhi is working round the clock to ascertain the details of the 22 crew members on board the vessel Dali. Maryland Governor Wes Murray has said that the May Day call helped the state officials to control the damage. He hailed the authorities for clearing the traffic and called them heroes. Nadia ji, I am coming to India. ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये स्टेटमेंट दी है यूक्रेन के मिनिस्टर ने. उन्होंने ये बोला है, मतलब प्रॉपर वीडियो रिलीज किया और उन्होंने इंडिया की ना सिर्फ तारीफ की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, बल्कि साथ ही साथ ये भी बोला है कि हम जल्द इंडिया का विजिट करेंगे. क्या कहना चाहेंगी, रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कह लें या क्लोज फ्रेंड कह लें, और रशिया यूक्रेन की वार है और यूक्रेन भी इंडिया की तरफ ही नजरें रखे हुए है, क्या कहना चाहेंगी? मतलब इंडिया की रशिया को भी जरूरत और यूक्रेन को भी जरूरत. मैंने आपसे लास्ट सेशन में ही कहा था कि आने वाले 10 साल में हमारे दुनिया में ऐसे ऐसे देश हैं जिन्होंने हमेशा सर उठा करके बात किया है, पर घुटने टेक करके भारत के सामने खड़े हो जाएंगे. तब आपने आंखें चौड़ी की थी और आज भी आप कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी बातों पे बिल्कुल अभी भी बिल्कुल फिक्स्ड हूँ और स्टक हूँ कि आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि हर वो देश जो कभी भारत को अपने अपने बैक का रफ डायरी समझता था, अब वो भारत को समझता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरी. और डायरी का मैंने एक फुल फॉर्म बनाया था, डेयर आई ऑलवेज रिमेम्बर यू. तो ये अब वही हो चुका है कि डेयर आई ऑलवेज रिमेम्बर यू. भारत का विजन, भारत का फोकस, भारत की सेना, भारत की इकोनॉमी और भारत के प्रधानमंत्री, इनको इन्होंने एक चीजें बहुत ज्यादा और बहुत बार बार क्रिस्टल क्लियर किया है कि टेररिज्म इंडस्ट्रीज, कॉन्फ्लिक्ट, जंग, इन सब चीजों पे भारत बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है. राउंड टेबल पर बैठें, बात करें, चीजों को मरहलों को सॉल्व करें और आगे बढ़ें. जिंदगी में आगे बढ़ना, रिफॉर्म होना, तरक्की करना, अपने विजन को बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना, ये हमेशा डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी बताया है और भारत के प्रधानमंत्री जी ने तो बार बार बताया है. देखिए, अभी हालिया में
बहुत सारे कॉन्क्लेव बड़े बड़े चैनल्स के हो रहे थे, जिसमें जिसमें ये बात बार बार हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से पूछा गया कि भारत के मुसलमान जो हैं वो इस्लाम मानते हैं, संविधान क्यों नहीं मानते हैं। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही गृह मंत्री जी ने कि कहा भारत के मुसलमान तो संविधान ही मानते हैं, क्योंकि अगर संविधान नहीं मान रहे होते और इस्लाम मान रहे होते तो जितने भी बलात्कार के आरोपी हैं वो नामर्द होते हैं, अभी जितने भी लोग मुसलमान चोरी करते हैं उनके हाथ कटे हुए होते, जितने भी मुसलमान आंखों से लड़कियों को गलत तरीके से देखते हैं उनकी आंखें निकली हुई होती, जो मुसलमान झूठ बोलता है उसके जुबान कटे हुए होते। तो भारत के मुसलमान तो संविधान ही मान रहे हैं, क्योंकि बलात्कारी आरोपियों को छुड़ाने के लिए हमारे भारत के संविधान और भारत के कानून से ज्यादा खूबसूरत कौन सी चीज हो सकती है। तो बहुत सारी चीजों को ना हम अलग अलग डायरेक्शन में समझ लेते हैं, पर ये चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि अरब ममालिक से लेकर के और रशिया से लेकर के और ईरान से लेकर के बहुत, मतलब अभी देखो हमने लास्ट सेशन में बात किया था मोइजू, वो भी अभी अभी परेशान है, माफी मांग रहे हैं। अब कनाडा, वो भी माफी मांगने को तैयार है, वो भी अभी परेशान हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है। तो भारत एक ऐसे जगह पर पहुंच चुका है जिससे रिलेशनशिप खराब करना दूसरे देशों के लिए बुरा हो सकता है, दूसरे देश के लिए गलत हो सकता है। अब क्योंकि मानवता बहुत ज्यादा होती है भारत में, क्योंकि ये जो पार्टी है ये कट्टर हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए भारत इतनी तरक्की कर गया। अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री अगर इंडिया को फॉलो करता नजर आ रहा है तो हम क्यों नहीं फॉलो कर सकते? ओवरऑल जितनी भी पॉलिसीज हैं जो डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकती हैं, पाकिस्तान को वो फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर पब्लिक की ओपिनियन लेंगे, इसमें क्या फर्क देख रहे हैं आप? माइंडसेट डिफरेंस है आपका। यहाँ पे एक यंग नौजवान और इंडिया का नौजवान है, वो आईटी रेलिवेंट, उनकी हर चीज उसके अंदर प्रमोशन होती है, उनके इवन डेट आप एड्स भी देखेंगे, आप उनके वीडियोस के एड्स भी देखेंगे तो उनके मोस्टली प्रोबेबली उनकी कंपनीज के एड्स होते हैं, उनकी आईटी के एड्स होते हैं। तो हमारा एक माइंडसेट वैसा नहीं है, हमारा तरफ एक, और जो बैन होने की बात है तो पॉलिटिकल व्यूज होना उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल व्यूज का जो है आप अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके हवाले से आप कोई अपना बयान ना दे सकें, और देते हैं तो उसको एक इतने मुनज़म तरीके से उसे मैनेज किया जा रहा है कि आप अपना पॉइंट रेज कर ही नहीं सकते, और करते भी हैं तो चेक एंड बैलेंस इतना क्राइटेरिया हाई किया हुआ है कि आप उठाए जाएंगे। ठीक है, और एक बात मेरी समझ से बाहर है कि मोस्टली जो एजुकेटेड यूथ है या खासतौर पर ज्यादातर नौजवान तबके की बात करें, इस चीज को समझ चुके हैं कि वहां पे अगर बॉर्डर पार नेबर कंट्री की बात करें उनकी पॉलिसीज में और हमारी पॉलिसीज में क्या फर्क है, उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या फर्क है, लेकिन हम उन पॉलिसीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उसकी क्या रीजन है? मतलब आपसे पूछूंगा, इनसे पूछूंगा, जो भी एजुकेटेड होगा वो कहेगा हाँ भाई उधर उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई है, उनका कंट्री आगे जा रहा है, आईटी में आगे हैं, हर चीज में आगे हैं, लेकिन हम पता होने के बावजूद उसे फॉलो क्यों नहीं कर रहे या उन पॉलिसीज को यहाँ पे क्यों नहीं ला रहे? ऑडियंस अवेयरनेस।